As you know that the NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है. एज यू नो दैट एक वीडियो भी अनुसर ने बनाया था. अब क्योंकि इसकी प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस है, आपको पता है 2 मार्च उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है. तो आपको प्री और मेंस को क्यूमुलेटिव एक साथ कैसे लेके चलना है, इस वीडियो में स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे. सो दैट आपको एक ओवरऑल समराइज वे में पूरा आइडिया मिल जाएगी. 2 मंथ्स में वी कैन एक्सपेक्ट कि मेंस एग्जामिनेशन आपका प्री एग्जामिनेशन की यानी कि 2 मार्च के 1 महीने बाद मोस्ट प्रोबली होने के चांसेस हैं. तो इस वीडियो में क्यूमुलेटिव एक स्ट्रेटजी आपको डिस्कशन कर रहा हूं मैं, सो दैट आपको ये हेल्पफुल होगी और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ते हो अपनी प्रिपरेशन की ओर तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. आइए एक बार देख लेते हैं NICL का. जैसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है ऑब्वियसली, और ये हर साल वैकेंसीज नहीं आती है. 2018 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी और इस बार जो है 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट है इसमें, और वो भी स्टेट वाइज अलग अलग दे रखी है. इसमें आपका प्रिलिम्स मेंस और उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा, कंडक्ट होगा. प्री जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग है, सो दैट्स मीन द मेरिट सेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द मेंस एग्जामिनेशन. अब मेंस को प्री के साथ एक साथ लेके चलना है ना. अगर अलग अलग लेके चलोगे सो 1 मंथ में आपका मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी. तो करना कैसे है एक बार ये देख लेते हैं. जैसे आपके पास 60 डेज हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि फरवरी और मार्च तो पूरा पूरा है ही है. मेंस जो होगा वो अप्रैल में चांसेस है क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर मेंस हो जाता है. अब आपको फरवरी और मार्च को बहुत अच्छे से डिसाइड करना होगा कि कैसे ये कवर करना है ना. प्री के हिसाब से अगर आप जाओगे तो सिर्फ आपके पास एक ही मंथ बचा है फरवरी का. अब फरवरी में आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा अच्छे से, सो दैट जब भी आपका एग्जामिनेशन है उस टाइम आप अच्छे से उसको डील कर पाओ. अब देखो कैसे मैंने बाइफर्केशन किया है वो आप एक बार देख लो. यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि आप कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हो, है ना. मैंने 7 दिन का 1 वीक का शेड्यूल बना दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आगे फॉलो करने वाले हैं. जैसे कि 4 डेज में ये 4 डेज 4 दिन जो है क्योंकि प्रिलिम्स आपको फोकस करना है क्योंकि उसमें आप क्वालिफाई होने वाले हो, सो दैट उसको ज़्यादा फोकस किया है. और 4 दिनों में आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को कवर करोगे एक साथ क्योंकि दोनों एक तरह के सब्जेक्ट हैं. अगर आप मैथ्स को अच्छा कर ले तो रीजनिंग को अच्छा कर ले तो प्रीलिम्स में क्योंकि 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के, सो दैट वहाँ से वो ओवरऑल एक अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा. और 2 दिन मैंने रखा है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को. इसमें जनरल अवेयरनेस में आप स्टैटिक और आपका करंट बैंकिंग अवेयरनेस वो सब आप पढ़ने वाले हो, ठीक है. अब इनके सोर्सेज आप कहीं से भी देख सकते हो ना, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पॉटलाइट से पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं या चीज़ें हैं. बाकी यूट्यूब पे गौरव सर और मैं पढ़ाई रहे हैं आपको, वो कवर कर सकते हो आप क्लासेस में आके, ठीक है. ये 4 दिन में आप ये कवर करोगे. फर्स्ट वीक की अगर हम बात कर रहे हैं, 1 दिन बचा, 6 दिन यहाँ होगे, 1 दिन आप दोगे क्यूमुलेटिव एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्री का, ओनली प्री का. दिस इज द फॉर द प्री एग्जामिनेशन, ठीक है. और वहाँ पे आप डिसाइडेड देखोगे कि ये करके कि कितना कट ऑफ आपकी बन रही है और कितना मार्क्स कितना परसेंटेज है, वो सब एनालिसिस यहाँ पे 1 दिन में आप करने वाले हो. सेकेंड डे भी अगर आप देखो तो सेकेंड डे भी आपका पूरा का पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही होगा, है ना. मेंस को आप फिर 2 दिन दे रहे हो, और क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश फिर भी आप कर लोगे लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का है, उसी को आपको ज़्यादा फोकस करना होगा यहाँ पे. सेकेंड वीक भी सेम जाएगा. थर्ड वीक, क्योंकि थर्ड वीक में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग करोगे क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स के बाद तुरंत मेंस है 1 महीने के अंदर अंदर. तो थर्ड वीक आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट एक तो मॉक टेस्ट दोगे और ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, ठीक है. यहाँ तो सिर्फ एक एक मॉक टेस्ट चल रहा था वीक में, लेकिन यहाँ ऑल्टरनेट होगा तो यहाँ पे ओवरऑल आप 10 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्री के, ठीक है. जब आप 10 मॉक टेस्ट दे दोगे दैट यू विल कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मेरे स्कोर सही जा रहा है, अब मेरा परसेंटेज सही जा रहा है और मैं सही कट ऑफ तक पहुँच रहा हूँ, सो दैट आई कैन क्लियर द प्रीलिम्स. अब देखो इसमें थर्ड वीक में आप ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, साथ में आप क्या करोगे मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश जो कि प्री ओरिएंटेड होगा सब, है ना, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे होंगे. उसमें आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी आपका बचा हुआ है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई भी PDF उठाई आपने या बुक्स उठाई उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने यहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए. इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो चीज़ मॉक टेस्ट में आपको सपोज करो CISI के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर पजल्स गलत हो रही हैं, DI गलत हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे होंगे कि हाँ उस चीज़ को मैं दोबारा पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ठीक है. सॉर्ट आउट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी आपकी प्री ओरिएंटेड, ठीक है. जब भी हम ये यहाँ पे पढ़ रहे होंगे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में, तो वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे आप कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है. वहाँ आप क्यूमुलेटिव पढ़ रहे होंगे सो दैट वो ओवरऑल एक प्रिपरेशन आपकी फाइनलाइज हो पाए वहाँ पे, क्लियर.
इसमें फोर्थ वीक में भी आप सेम काम कर रहे होंगे, है ना, फोर्थ वीक कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका प्री एग्जामिनेशन आएगा, और प्री एग्जामिनेशन आप जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप प्री में बैठने वाले हो। तो अगर आप इतना कर लेते हो एक वीक, मतलब पूरा का पूरा चार वीक, यानी कि एक मंथ का फरवरी का, डेफिनेटली यू विल गेट द स्कोर, है ना, वो आपको मॉक टेस्ट में भी दिख रहे होंगे कि हाँ इतना परसेंटाइज चल रहा है, तो हाँ मैं क्लियर कर लूंगा, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है ना, उसमें ऐसा नहीं कि आपको हाईएस्ट नंबर लाने हैं, सिर्फ आप क्वालिफाइंग करने वाले हो। क्वालिफाई होने के बाद में मेंस एग्जामिनेशन आएगा, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको जॉब मिलने वाली या नहीं मिलने वाली। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए आपको, अगर हम ध्यान से देखें तो मार्च पूरा का पूरा आपके पास है ना, एक मंथ ही मिल रहा है मार्च, है ना, उसके एक महीने बाद 2 मार्च के यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मेंस हो जाएगा, बिकॉज अभी तक मेंस की डेट अनाउंस नहीं है, प्री एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस है। तो अब हम मार्च में क्या कर रहे होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम क्या कर रहे होंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, बिकॉज मेंस में क्या हो रहा है 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40-40 क्वेश्चन है ना, और 40 × 5 करोगे तो आपको 200 क्वेश्चन, लेकिन ये 200 क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन है लेकिन 50 मार्क्स के हैं, है ना, इस तरीके से आप देखोगे तो 50 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन है और 250 मार्क्स के वो बैठ रहे हैं, यानी कि 250 मार्क्स में से आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितने पे मेरिट जाने वाली है। उसके लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन में ये तीन चीजें एक साथ कवर करनी होंगी, दैट इज द इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, क्योंकि सबके इक्वल मार्क्स हैं, कंप्यूटर भी 40 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश भी, तो किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जब इक्वल मार्क्स होते हैं सो दैट कंप्यूटर को भी उतना ही फोकस आपको करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे फोकस करते हो मार्च में, सेम वाइज वीक 1, वीक 2, वीक 3, है ना, तो वीक 1 और वीक 2 में तो सेम जाएगा, है ना, यही फोकस रहेगा, तीनों चीजें एक साथ जाएंगी और ये मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ कवर कर रहे होंगे आप, ठीक है, दोनों वीक आपको सेम काम करना है। अब क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है ऑब्वियसली, तो आप मेंस में एंटर हो, तो मेंस में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के 2 वीक तो आपको संडे को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब संडे को जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसका एनालिसिस भी आपको करना होगा, ऑब्वियसली मेंस थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका एनालिसिस में भी टाइम जाएगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट का एनालिसिस कर लोगे देन आप स्विच कर रहे होंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसको कैसे पढ़ना है देखो, क्योंकि वी कैन एक्सपेक्ट कि अप्रैल में एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो आप अप्रैल जब आप मार्च में एंटर कर रहे होंगे तो आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स को, यानी कि फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे और लगभग आप 4-6 मंथ का कवर करके जाओगे जनरल अवेयरनेस, है ना, इसमें सब चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। इसको अच्छे से कवर करने के जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं, 4-6 मंथ का करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ कि हाँ अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका थर्ड वीक और फोर्थ वीक आने वाला है, दैट इज द मार्च का, ठीक है, मार्च में फिर आप सेम जैसे हमने प्रीलिम्स में किया था ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, है ना, और आपका मेंस मॉक टेस्ट जो होगा उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे ऑल्टरनेट पे, है ना, उसका एनालिसिस करोगे, साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है पांचों के पांचों सब्जेक्ट उनका कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको पढ़ना है दोबारा से, प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज रूथलेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट विल बी मोर सफिशियंट कि हाँ मेंस एग्जामिनेशन उसके बेसिस पे आपका निकल सकता है। अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है मेंस मॉक टेस्ट की या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो फिर वहाँ थोड़ी सा दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि मेंस ही आपका फिल्टर करेगा स्टूडेंट को किस किस को जॉब मिलने वाली है किसको नहीं, एज सिंपल एज दैट, ना। लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट जो होगा LPT जिसको हम बोलते हैं, वो तो बहुत ईजी है, उसमें तो कोई होगा नहीं, है ना, तो जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने वाले हो, तो वो आपको बड़े ध्यान से रखना है कि हाँ अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैं हरियाणा, राजस्थान, UP जहाँ भी हिंदी बेल्ट है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ से, सो दैट बाद में दिक्कत ना आए LPT में, ठीक है। और LPT को बहुत सीरियसली ये हैंडल करते हैं जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा, तो अगर आपको NICL असिस्टेंट को क्लियर करना है तो ओवरऑल ये 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी यानी कि 60 डेज के आसपास आपका प्री और मेंस खत्म हो जाएगा, है ना, ये आपको फोकस करनी होगी ओवरऑल, सो दैट आपका ये निकल जाए और एट द एंड आप जॉब मिल जाए आपको, ठीक है। जो मैंने शेड्यूल बनाया है मॉक टेस्ट का वो कुछ इस तरीके से, जैसे आप स्टार्टिंग में क्योंकि संडे को मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो संडे को जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो कोशिश करना प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स का तो सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए, संडे को ही उसका एनालिसिस कर लो, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट।
क्योंकि एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको आपकी कमी नहीं पता चलेगी, कहाँ वीक हो जा रहे हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्या चीज़ें चल रही है ना। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमने अटेम्प्ट किया है इंग्लिश में स्पेशली कि हाँ कर तो दिया, सही मार्क्स भी आ गए, बट वो क्या पता तुक्के से आए हैं, है ना, वो एग्जैक्टली हमें जो पता था वो उससे नहीं आए। काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ एरर स्टॉपिंग में आपने टिक कर दिया और वो सही हो गया, लेकिन एट द एंड एग्जामिनेशन में क्या वो सही होने वाला है, वहाँ पंगा फंस जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फोकस करना है और ये निकालना है एग्जामिनेशन, तो बहुत फोकस करना पड़ेगा मॉक टेस्ट को और उसके एनालिसिस पे। बट उससे पहले 2 वीक में बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, और सारी क्लासेस जो यूट्यूब पे चल रही हैं आप उनको अटेंड कर सकते हो ना। ऑब्वियसली आप जैसे ही अनुजिंदल प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ किसकी क्लासेस कब चल रही है, वो शेड्यूल आप नोट कर लो और उस टाइमिंग पे आके आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं आपके द्वारा, हमारे द्वारा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो सो दैट यू विल गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बिंदास कमेंट कर सकते हो। और आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।